को 2 अक्टूबर याद रहता ही आपको, ड्राई डे होता है इस दिन। और इनके पापा का नाम था करमचंद गांधी, इनका खुद का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात साइड में होता है, पापा का नाम साथ में लगाते हैं। मम्मी का नाम था पुतली बाई। हालांकि मैंने सब इंस्पेक्टर वाली क्लास में पूछ लिया था कि इनकी मम्मी का नाम क्या था, आधे से अधिक लोगों का जवाब था कस्तूरबा गांधी। मुझे लगा यार कोई लुगाई को माँ कैसे बना सकता है ऐसे, पर इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, मम्मी का नाम इनकी पुतली बाई था। बहुत पैसे वाले परिवार के थे गांधी जी। इनके पापा राजकोट रियासत के अंदर दीवान हुआ करते थे। इनके पापा बीकानेर में भी नौकरी करके गए हुए थे, बीकानेर हिजाय ने इसके पास भी नौकरी की थी, फिर राजकोट रियासत में दीवान हुआ करते थे। अब दीवान मतलब प्रधानमंत्री, अब किसी रियासत के प्रधानमंत्री का बेटा हो तो फिर ढंग की जगह ही पढ़ेगा। तो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, तब सबसे बड़ी पढ़ाई वकालत की पढ़ाई हुआ करती थी, है ना, बैरिस्टर बोलते थे, बैरिस्टर पास। तो अभी तक भी देखो गाँव के अंदर को ज्यादा बोलता लोग देते तू बैरिस्टर है, बैरिस्टरी ना जाड़, तो मतलब बैरिस्टर अपने आप में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो बैरिस्टर पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहां पर गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। अब भाई गांधी जी वहां से पढ़ के वापस आ गए, और गांधी जी वहां पर पढ़ गया वकील की पढ़ाई करके वापस आएगा तो क्या काम करेगा, तो आपको सर स्वाभाविक सी बात है वकालत करेगा, और तो क्या करेगा। अब यहां पे आके भाई गांधी जी ने वकालत करने शुरू कर दी। पर गांधी जी एक रोड़ा पड़ता था थोड़ा सा यार, रोड़ा ये था कि गांधी जी की आवाज है ना थोड़ी सचिन तेंदुलकर टाइप की सी थी, पतली आवाज थी, लड़कियों जैसी आवाज थी गांधी जी की। लड़कियां आई हूं बुरा मत मान जाना भाई आपको, हमारी आवाज ऐसी कैसी होती, मतलब पतली आवाज थी, है ना। तो गांधी जी कोर्ट के अंदर जाके बोलने लगे, जज ने कहा रे ये कहां से लाए आप, मुछे मुछे हैं इस आदमी। गांधी जी थे बड़े हैंडसम, मुछे मुछे रखते थे, एकदम कोट पैंट पहनावा, बाल बाल लंबे हुआ करते थे। जज को हंसी आने लग जाती, गांधी जी एक दो केस हार गए भाई शुरू शुरू में। गांधी जी केस हार गए तो दो दो चार मेरे जैसों ने और कोई केस ले जाके दिए थे, उन्होंने वापस ले लिया, अपने रुपए वापस ला रहे। तू मरवाएगा फांसी लगवाएगा, जज तेरे को देखते हैं हंसने लग जाता है। फिर गांधी जी को लगा यार इधर तो अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो गांधी जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक प्राइमरी स्कूल थी और उसके अंदर पढ़ाया करते थे गांधी जी। वहां बच्चों ने शिकायत कर दी जाके प्रिंसिपल को, और वहां बच्चों ने जाके कहा कि इससे अच्छा तो मैडम ही लगा दो। बोलते तो सर मैडम की तरह ही है, फिर सर से क्यों पढ़े, मैडम से ही पढ़ लेंगे हम। तो गांधी जी को स्कूल से हटाया गया। हालांकि ये बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गांधी जी स्कूल के अंदर पढ़ाने गए, बच्चों ने वहां पे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे कैसे कहते, विवेकानंद जी स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्कूल हुआ करती थी, उसमें विवेकानंद जी पढ़ाने के लिए गए थे, और वहां पर भी उनको बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया था। और दोनों महान आदमी बने विवेकानंद जी और गांधी जी बाद में जाके। आप भी कई बार मुझे गालियां निकालते रहते हो ना, अच्छा नहीं पढ़ाता है, टाइम खा जाता है हमारा, तो मैं खुश होता हूँ, मुझे लगता है अच्छा अपने पास भी बड़ा आदमी बनने की संभावनाएं तो मौजूद है पूरी। और देखना आप, मैं यूं गांधी जी विवेकानंद जी की तरह मौका मिलेगा ना कभी, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और फिर आप लोग अपने बच्चों को कहोगे कि ये जो है ना ये हमारे सर हुआ करते थे, और बच्चे आपकी बात भी नहीं मानेंगे, बच्चे कहेंगे पापा इतनी मत फेंको, इतना मान आदमी आपको पढ़ा। आपको क्या, अरे हम तो इनको कुछ ही कह दिया करते थे, कुछ ही सवाल पूछ लिया करते थे, लेकिन आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आपको भी यदि इस प्रकार को रिजेक्ट करे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते किसी काम के लिए, तो आप खुश होया कीजिए। कुछ गलत फहमियां अच्छी होती है, कुछ खुश फहमियों में व्यक्ति जीता है तो जिंदगी जीना थोड़ा सरल हो जाता है। जी तो अपने थोड़ा यूं सोच के तो कम से कम अच्छा ही रखें। तो गांधी जी को बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी ने एक फैक्ट्री खोली, कोई पापा तो पैसे वाले थे भाई, फैक्ट्री खोली, और उसमें भी गांधी जी के बिजनेस चलाने। तो कुल मिला के गांधी जी बेरोजगार हो गए थे। आप कितने थे गांधी जी, आप यूं गांधी जी से अपनापन महसूस कर सकते हो। इन बिटवीन दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति भारत आए हुए थे जो गांधी जी के पापा के दोस्त हुआ करते थे, अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई नाम के एक व्यक्ति थे, और वो साउथ अफ्रीका से यहां पर आए हुए थे। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, खूब सारे इंडियन वहां साउथ अफ्रीका में रहा करते थे।
मजदूरों के रूप में उनको वहां पर ले जाया जाता था। मैंने एक बार पहले भी बताया होगा आपको कि खूब सारे जो इंडियंस थे वो अफ्रीका में, वो आपके दक्षिणी अमेरिका में काम करवाने के लिए अंग्रेजों द्वारा, फ्रेंच के द्वारा, डच के द्वारा ले जाए गए थे। जब अंग्रेज किसी को भी बाहर लेके जाया करते थे ना, तो एग्रीमेंट साइन करवाते, उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाते और कहते हैं भाई ले, तेरे को हम अफ्रीका लेके जा रहे हैं, तेरे को इतनी तनख्वाह देंगे, तेरे को ये काम करना पड़ेगा, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, सब सुविधाएं वगैरह जो भी तुझे मिलेगा वो सब लिख के लेके जाते। तो मान लो जैसे मैं वो बंदा हूं जिसको अंग्रेजों का मजदूर बन के जाना है कहां पर और कहीं पर, और एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया। अब मैं हमारे गाँव आया और मैंने गाँव में कहा भाई अपने तो एग्रीमेंट साइन करके आ गए, अपने अब जाएंगे बाहर। तो एग्रीमेंट अपने वालों से बोला नहीं जाता था, तो बोलते ग्रीमिट, कि ग्रीमिट साइन किया, ग्रीमिट साइन करके बाहर गया है। इसलिए ये लोग जिनको अंग्रेज, डच या फ्रेंच इस प्रकार एग्रीमेंट साइन करवा के बाहर के देशों में भेजते थे, अफ्रीकन देशों में भेजते थे, या ये जो आपके साउथ अमेरिकन देश है इनके अंदर भेजा करते थे, उन लोगों का बाद में नाम ही पड़ गया ग्रीमिटिया। ग्रीमिटिया शब्द एग्रीमेंट से बना, एग्रीमेंट से ग्रीमिट बनता है, ग्रीमिट से ग्रीमिटिया बन जाता है। गिरिराज किशोर की एक बुक है पहला ग्रीमिटिया, जो गांधी जी पर लिखी हुई है। तो गांधी जी भी अफ्रीका चले गए थे बाद में। अब्दुल्ला भाई अफ्रीका रहा करते थे इनका परिवार, हालांकि इंडियंस जो भी अफ्रीका रहते थे वो गरीब लोग हुआ करते थे, लेकिन अब्दुल्ला भाई गुजराती बंदे थे, वहां जाके थोड़ा बिजनेस विजनेस किया तो ये थोड़े अमीर हो गए थे वहां पर, वहां पर पैसे वाले हो गए थे अब्दुल्ला भाई। अब पैसे वाले हुए तो परिवार में संपत्ति को लेकर लड़ाइयां हुई, भाई गरीब हो तब तो संपत्ति किस बात की, लड़ाई किस बात की हो, पैसे वाले हुए तो संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। विवाद हुआ तो मैटर पहुंचा कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जब मैटर पहुंचा तो कोर्ट ने कहा भाई आपके प्रॉपर्टी के कागज दिखाओ हमें। जब प्रॉपर्टी के कागज पेश किए तो कागज सारे गुजराती भाषा में लिखे, भाई आपस में लेन देन किया भाइयों, भाइयों ने आप बाप ने बेटों को बांटी, उस बेटे ने अपने बेटों को बांटी, तो गुजराती में लिखे होंगे, गुजराती बंदे थे। जज कौन है? वो अंग्रेज है। अब उस अंग्रेज जज को तो गुजराती नहीं आए, और वहां पर ऐसा कोई बंदा नहीं था जो गुजराती को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सके। इसलिए अब्दुल्ला भाई एक ऐसा आदमी ढूंढने के लिए इंडिया आए जो गुजराती को अंग्रेजी में बता सके और अंग्रेजों की बात उन गुजरातियों को समझा सके। और करमचंद गांधी ने अब्दुल्ला भाई को कहा कि भाई हमारे वाला यूं ही बैठा हुआ है घर पे, इसको ले जाओ, ये आपके काम आ जाएगा। और गांधी जी चूंकि वकालत की पढ़ाई और कर चुके थे, कहा ये तो वकील और है, आप तो इसको ले जाके खड़े कर देना। अब्दुल्ला भाई ने कहा वकील तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बाकी हैं, मुझे तो ट्रांसलेशन वाला एक बंदा चाहिए, तो ले जाओ आप। तो 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। उसी 1893 में जिस साल विवेकानंद जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, उसी 1893 में जब एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में भारत आ रही है, उसी 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। गांधी जी अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए कहां चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। वहां जाके गांधी जी गुजराती आदमी थे, थोड़े समझदार आदमी थे यूं, तो गांधी जी ने जाके वहां पे इन अब्दुल्ला भाई के परिवार का जो मुकदमा था वो कोर्ट में ले जाने नहीं दिया, बाहर बिठा के समझा दिया। अरे क्यों लड़ते हो यार, लो मैं बताऊं तुम्हारे कागज दो, मैं बांट देता हूं, तुम इतनी रख लो, तुम इतनी रख लो, तुम इतनी रख लो। तो थोड़े गांधी जी की दुकानदारी जम गई, बाकी इंडियन सारे अनपढ़ थे, तो बाकी इंडियन छोटे मोटे कामों के लिए गांधी जी के पास वहां आने लगे। कोई कहता मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, वहां की वोटर आईडी में नाम नहीं हुआ करते थे, इंडियंस को नागरिकता वगैरह नहीं मिलती वहां की। कोई कहता भाई मेरा आधार कार्ड बनवा दो, कोई कहता मेरे ये फॉर्म भरवा दो, छोटे मोटे कोई काम होते, मेरे वो रुपए इतने बनते हैं इतने नहीं बनते मेरा हिसाब कर दो। तो गांधी जी की दुकानदारी कुल मिला के दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो गई थी, पैसे वाले एकदम। एक दिन गांधी जी ट्रेन से सफर कर रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ, कितने पैसे वाले थे, फर्स्ट क्लास के अंदर बैठे हुए थे गांधी जी। अपने में से अधिकतर लोग फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं बैठे होंगे, मैं तो खुद फर्स्ट क्लास में कोई एक दो बार बैठा हुआ हूंगा, क्यों काम पड़े अपना जाने का, वो भी अब कोई इन सालों के अंदर। मुझे याद है एक बार को जोधपुर गया था तब मैं फर्स्ट क्लास में बैठ के जरूर गया था, बाकी ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में अपने सोचा ही नहीं था, अपने जनरल के अंदर आया करते थे। गांधी जी फर्स्ट क्लास डब्बे के अंदर बैठे हुए, पूरे डिब्बे में अंग्रेज भरे हुए, और अंग्रेजों ने जैसे देखा काला आदमी बैठा है, और उन्होंने कहा कि कालू इधर कैसे, तुम्हारा डब्बा उधर है, तुम इस डिब्बे में नहीं बैठ सकते, और उन्होंने गांधी जी को नीचे उतार दिया। गांधी जी को वहां पर वो नीचे उतार के चले जाते हैं। गांधी जी को पहली बार लगा, अब तक गांधी जी यूं हाईफाई रहा करते थे, उन्होंने लगा पैसे अपने पास, इंग्लिश आती है, अपने वकालत आती है, और चाहिए क्या। अब गांधी जी जिस स्टेशन पे उतारे गए
उस स्टेशन मास्टर को जाके अगली ट्रेन की टिकट मांगी। अगली ट्रेन सुबह आने वाली थी, पूरी रात पड़ी, ठंड की रात पड़ी। पहले तो टिकट वाले ने टिकट देने से मना कर दिया। उसने जब देखा काला आदमी फर्स्ट क्लास की टिकट मांग रहा है वापस, उसने कहा तुम्हारे काम की नहीं है टिकट। और गांधी जी को लगा कि यार ये तो गजब का भेदभाव। गांधी जी ने इंग्लिश जाड़ी उसके सामने, वकालत बताई उसको, तब उसने टिकट तो दे दिया। गांधी जी वापस ट्रेन के अंदर चढ़े, अगली ट्रेन के अंदर वापस अंग्रेज बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं इधर नहीं उधर जा। वो तो एक कोई भला गोरा बैठा था और उसने कहा ये क्या तरीका, आने दो ठंड मर रहा है बेचारा आदमी, इसके पास टिकट है पैसे दिए इसने, उसने बिठाया। यहां से गांधी जी का जीवन चेंज होता है। गांधी जी अंग्रेजों की रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं, विरोध शुरू करते हैं, अपार्थीड पॉलिसी बोलते हैं, रंग भेद नीति। अच्छा, विरोध का तरीका क्या हो, विरोध के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हिंसक हो सकता है, अहिंसक हो सकता है। एक तरीका तो यह है कि मान लो मुझे ट्रेन के डब्बे से नीचे उतार दिया, मैं दूसरे दिन एक बंदूक खरीदूं, जाके ट्रेन के डिब्बे में जो जो मुझे उतार रहे थे उनको सलटा के आ जाऊं। गांधी जी का नहीं, अपना तरीका अहिंसा पर आधारित होगा, सत्याग्रह किया जाएगा। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक शब्द है सत्य, एक शब्द है आग्रह। सत्य का मतलब होता है न्याय, आग्रह का मतलब होता है प्रयास करना, न्याय के लिए प्रयास करना, एफर्ट्स फॉर जस्टिस। गांधी जी ने कहा हम न्याय के लिए प्रयास करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, और यह जो हमारा तरीका होगा यह तरीका हमारा अहिंसा पर आधारित होगा। गांधी जी ने अंग्रेजों की रंग भेद नीति के खिलाफ दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। मैंने जब आपको गर्म पंथ के उदय के कारण बताए थे, उनमें मैंने दक्षिण अफ्रीका का बोर विद्रोह लिखा था। ये बोर जो थे ये डच किसान थे, कुछ डच किसान थे जो साउथ अफ्रीका में बहुत पहले चले गए थे, वहां पर खेती किया करते थे। बाद में जब अंग्रेजों का साउथ अफ्रीका में राज हुआ तो अंग्रेजों ने कहा पूरे साउथ अफ्रीका में हम इंग्लिश लगाएंगे। जब इंग्लिश लगाने की बात आई, इंग्लिश कल्चर इंपोज करने की बात आई, तो इन डच किसानों ने या ये जो बोअर्स थे इन्होंने विद्रोह किया। फिर उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, हम हमारी डच कल्चर को फॉलो करेंगे, आप इंग्लिश कल्चर हम पे इंपोज नहीं कर सकते हैं। तो बोअर वहां पर विद्रोह कर देते हैं। ऐसे अफ्रीका में एक जनजाति होती है, मैम जब आपको ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कहीं नाम आ जाएगा, जुल्लू नाम की एक जनजाति होती है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये जुल्लू जनजाति जो थी ये अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर बगावत कर देती है। तो दो विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ साउथ अफ्रीका में, एक बोअर विद्रोह और एक जुल्लू विद्रोह। इन दोनों विद्रोह के समय गांधी जी अंग्रेजों का साथ देते हैं। गांधी जी ने यहाँ पे बोअर का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी जी ने यहाँ पे जुल्लुओं का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ पे गांधी जी को लगता था कि नहीं अंग्रेज सही हैं, बोअर और जुल्लू गलत है। अब गांधी जी का ऐसा मानना क्यों था क्या नहीं था ये एक अलग बात है, पर इससे ये तो पता चलता है कि गांधी जी किसी भी मामले में रिजिड नहीं थे, थोड़े फ्लेक्सिबल इंसान थे। वरना क्या होता है आजकल जैसे अपने होते हैं कि मैं मान लो बीजेपी का विरोधी हो गया तो फिर बीजेपी की अच्छी बात भी मुझे गलत लगेगी, या मैं कांग्रेस का विरोधी हो गया तो मुझे कांग्रेस की अच्छी बात भी गलत लगने लग जाएगी। गांधी जी इस मामले में थोड़े सही है कि अंग्रेज उन्हें बुरे लगते हैं, लेकिन ये नहीं कि अंग्रेजों की कोई अच्छी बात भी उसका विरोध करना शुरू कर दें। तो बोर और जुल्लू भले ही किन चीजों के लिए विरोध करते होंगे, पर गांधी जी को लगा कि नहीं यहाँ पे अंग्रेजों का पक्ष सही है, तो गांधी जी अंग्रेजों की तरफ थे। इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को दो मेडल दिए, एक बोर मेडल दिया था और एक जुल्लू मेडल दिया था। लिखो, हालांकि गांधी जी है ना, मतलब या इंडिया आने से पहले बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। अफ्रीका में जब आंदोलन चला रहे थे तो भारत में बड़ी जोर शोर से बातें थी, मतलब बिड़लान ये तो चंदा बेचते थे यार गांधी जी को अफ्रीका में आंदोलन करने के लिए, कि यार वहां इंडियंस के लिए यदि कोई बंदा लड़ रहा है तो गांधी जी लड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलके आए थे और उन्होंने वापस आकर कहा था, अरे यार लड़का क्या शानदार आंदोलन चलाता है, क्या लोगों को बांध के रखने की क्षमता है, कितना अच्छा बार्गेनिंग करने की उसकी क्षमता है, अंग्रेजों को किस प्रकार कहां पर कौन सी चाल चलनी है बहुत अच्छे से जानता है। तो गांधी जी कहते हैं कि जब आए थे तो सारे नेता यूं गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, सब लोग ज्यादा गए, गांधी जी को धोक दे, गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए। जिन्ना ने जा गांधी जी से हाथ मिलाया, हेलो मिस्टर गांधी, गांधी ने टेढ़ी नजरों से देखा, अच्छा तू धोख नहीं दे, तू आगे हाथ मिलाए। तो फिर गांधी जी जितने पावरफुल होते चले गए थे, जिन्ना को उतना ही साइड में लगाना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है गांधी जी इस मामले में थोड़े एटीट्यूड वाले थे कि जो जो अपने से हाथ मिला रहे हैं, जो जो धोख नहीं खा रहे हैं, इनको तो मैं देख लूंगा। तो गांधी जी उस टाइप के रहे होंगे, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ये कौन है जो आके मेरे से हाथ मिला रहा है। तो गांधी जी वो वाली फीलिंग भी हुआ करती थी थोड़ी थोड़ी सी। तो ये 9 जनवरी को गांधी जी भारत आ गए थे, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1915 में भारत आते हैं, 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो रखा है, 14 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था।
वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेज हैं वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, गांधी जी ने आते इंडियंस को कहा कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, और ये गांधी जी नहीं अपना पूरी कांग्रेस भी ये कह रही थी कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए क्योंकि जर्मनी एक बुरा देश है, अंग्रेज वहां अच्छा काम कर रहे हैं, जर्मनी को हराना जरूरी है, जर्मनी चलते हर किसी से लड़ाई कर रहा है, इसलिए हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए पूरी तरीके से। मतलब कांग्रेस वालों के तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट है कि खून का एक एक कतरा अंग्रेजों के काम आएगा भारतीयों के, अंग्रेजों तुम लड़ाई करो चिंता मत करो, चंदे इकट्ठे कर करके भेजे हुए अंग्रेजों को लड़ाई के लिए। और गांधी जी तो जब गांधी जी आए तो एक तो सब लोगों ने गांधी जी का, किसी ने कहा कांग्रेस ज्वाइन करो, किसी ने कहा गांधी जी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन, कम्युनिस्ट तो तब थे ही नहीं, कोई उदारवादियों ने कहा हमारी तरफ आ जाओ, मुस्लिम लीग ने कहा हमारी तरफ आ जाओ, पर गांधी जी ने कहा कि नहीं, एक साल तक तो मैं देश का भ्रमण करूंगा और देखूंगा कि मुझे किधर जाना चाहिए, पहले मैं देश को समझने की कोशिश करूंगा। गोखले ने भी उनको कहा था कि इंडिया में आए हो तो पहले इंडिया को घूमो, इंडिया को देखो, तब पता चलेगा कि इंडिया के बारे में क्या है और क्या नहीं है। गांधी जी एक वर्ष तक भारत में लगभग घूमते रहे, इस एक वर्ष के दौरान उन्होंने भारतीय युवाओं को अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर गांव में जाके जैसे घट्टा कट्टा नौजवान टाइप का दिखता, उस गांधी जी कहते तुम आर्मी में जाओ, अंग्रेजों की आर्मी में जाके लड़ो जर्मनी के खिलाफ, देश को जरूरत है इस समय, अंग्रेजों को जरूरत है इस समय तुम्हारी। तो गांव वाले युवा तो गांधी जी से डरने लग गए थे कि यार डोकरा आते ही कहेगा फौज ज्वाइन कर लो तुम, तो गांधी जी का नाम ही निकाल दिया था कि ये भर्ती करने वाला सार्जेंट है। सुनो देखो बात कि एक तो इस शब्द पे मैं जाऊंगा ना, भर्ती करने रिक्रूटमेंट बोलते हैं, रिक्रूटमेंट कर लिया, तो अपने क्या गांव वालों को रिक्रूटमेंट नाम नहीं आता था, तो कोई मान लो मैं गया फौज की भर्ती के अंदर और मैं वहां रिक्रूट कर लिया गया, मैं गांव आया वापस, क्या हुआ, तो मैंने कहा भाई रिक्रूट हो गया मैं, तो अब अपने वालों से रिक्रूट तो बोला नहीं गया, अपने उस शब्द को बोलना शुरू किया रंगरूट। आज भी गांव में कोई नया नया फौजी लगता है उसे रंगरूट है, और तो रंगरूट है, कितने रंगरूट हुए इस बार फौज का, जो भी नए भर्ती होते हैं, जो भी ट्रेनिंग वगैरह, अभी तो रंगरूट है, फौज वाले भी रंगरूट शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, वो वास्तव में रंगरूट नहीं है, वो रिक्रूट है कि नए नए जो बंदे भर्ती हुआ करते थे उनके लिए। फिर मुझे कई बार लगता है कि गांधी जी वैसे हैं कि क्या फौजी साहब होते हैं गांव के अंदर, फौजी साहब से भी मैं अग्रिम माफी के साथ बात करना चाहूं कि गई गांव में फौजी साहब होते हैं जो रिटायर होके आ जाते हैं बाद में, भाई रे टावरों को तंग करते हैं, फौजी साहब को तो आदत होती है सुबह सुबह 4 बजे उठने की, टावरों को और उठा लेते हैं, जवानों खड़े हो जाओ दौड़ लगा के आओ, तो घर परिवार के आसपास के जो बच्चे होते हैं वो फौजी साहब से थोड़े दिनों में तंग आ जाते हैं, और फौजी साहब गली में दिखते हैं तो गली चेंज करने लग जाते हैं कि नहीं रे फौजी साहब आ जाएंगे अभी दौड़ लगवाएं, हालांकि फौजी साहब तो अच्छे के लिए दौड़ लगवाते हैं, पर युवा मन इन चीजों में कहां लगे, दूसरी कई चीजें होती है उसे लगाने के लिए। तो गांधी जी भी उसी प्रकार से थे भाई, गांधी जी सब युवाओं को कह रहे थे कि तुम फौज के अंदर शामिल हो, अंग्रेज इस बात से बड़े राजी हुए, अंग्रेजों ने कहा कि शाबाश मेरे चीते, और अंग्रेजों ने गांधी जी को एक मेडल दिया कैसर ए हिंद। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पापा सर यही करते हैं, पापा फौज साहब है, भाई फौज साहब तो सही के लिए करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो ये गांधी जी को एक मेडल, तो गांधी जी को 3 मेडल हो गए, बोर और जुलू साउथ अफ्रीका से लेके आए थे, यहां पर गांधी जी को एक मेडल और मिल गया। फिर गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस यदि कोई थी तो वो, फिर एक तो गांधी जी 1916 के अंदर साबरमती में अपना आश्रम स्थापित कर लेते हैं। गांधी जी पहली बार पब्लिक के सामने इंडिया में कहीं पर गए थे तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, उसके उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने भाग लिया था। ये गांधी जी की प्रथम भारत में सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी, चंपारण सत्याग्रह। हुआ क्या था, देखो बड़ी गजब बात बताऊं, गांधी जी ने लखनऊ अधिवेशन में भी भाग लिया था। लखनऊ अधिवेशन में 2 बड़ी चीजें हुई है, नरम दल गरम दल वाला समझौता है, लखनऊ के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता हो रहा है, पर गांधी जी का कहीं नाम ही नहीं, नए नए आए थे गांधी जी, तब तक इतना कांग्रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, साइड में कहीं पीछे बैठे हुए थे। और गांधी जी जब लखनऊ अधिवेशन में साइड में कहीं पीछे बैठे हुए थे, वहां पर उनसे चंपारण का एक किसान मुलाकात करता है, जिस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और इन्होंने गांधी जी को कहा गांधी जी आपको चंपारण चलना चाहिए, और वहां पर नील के किसानों पर जो अत्याचार होते हैं, नील के जो किसान थे उन पर जो अत्याचार होते हैं, इनका विरोध करना चाहिए। क्या अत्याचार होते हैं भाई नील के किसानों पे, कि नील के किसानों पर तिनकठिया सिस्टम लागू किया जाता है, अंग्रेज तिनकठिया प्रथा लागू करते हैं। ये क्या भाई तिनकठिया प्रथा क्या है, तो कहा गया कि नील के किसानों के लिए जरूरी है कि वो जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करे,
जमीन के 3/20 भाग के अंदर वो किसकी खेती करे, नील की खेती करे, ये जरूरी है। मतलब क्या हुआ, हुआ क्या था कि अंग्रेज जब इंडिया के अंदर आए थे, मैंने एक दिन पहले भी आपको कुछ बातें बताई थी कि उन्होंने खाद्यान्न फसलों की जगह कैश क्रॉप उगवाना शुरू कर दिया था, नगदी फसलें उगाई जाए, खाद्यान्न नहीं उगाया जाए। नगदी फसलें जैसे नील की फसल, जैसे कपास, जैसे जूट, चाय, चीनी, गन्ना, ये जो फसलें हैं इनको कैश क्रॉप बोलते हैं, नगदी फसलें बोलते हैं। मार्केट में बेचो आता तो आपको रुपए मिल जाए इनके, खाद्यान्न इतना सरलता से नहीं बिकता था, सबके होता था तो कौन खरीदे ये फसलें। और सबसे बड़ी बात, मार्केट यहां नहीं, मार्केट विदेश का, भारत की कपास बिकने के लिए अमेरिका जाएगी, भारत की चीनी, भारत की चाय बिकने के लिए अमेरिका जाएगी, भारत की चीनी है कहीं बिकने के लिए इंग्लैंड जाएगी। तो वो ये जो चीजें थी हाथों हाथ लोग खरीद लिया करते, व्यापार हुआ करता था इन चीजों का। तो नील की खेती करवानी शुरू की। अब नील की खेती में समस्या क्या हुआ करती थी कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आके किसी एक किसान से एग्रीमेंट किया, बाकायदा एग्रीमेंट, यूं नहीं को जबरदस्ती खेती करवा लियो, बाकायदा एग्रीमेंट साइन करवाया और एग्रीमेंट के अंदर कहा गया कि एक खेत के मान लो 20 टुकड़े कर लें अपने, है ना, कि एक खेत है उस खेत के मान लो अपने 20 भाग कर दें, 20 भाग हो जाएंगे, ओके 20 भाग कर दें खेत के, इन 20 भाग में से 3 भाग में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। मतलब खेत के 3/20 भाग में नील की खेती करो, हम तुम्हें इतने रुपए देंगे, लो पहले ले लो पेमेंट, पहले हमसे पेमेंट ले लिया जाए और इतनी खेती करनी तुम शुरू कर दो। अब किसान को पहले पेमेंट मिल जाता, ज्यादा पेमेंट मिल जाता तो उसको लगता है क्या दिक्कत है, कर लेते नील की खेती। अब किसान ने नील की खेती करनी शुरू की, लेकिन 2 साल में उसके एक बात समझ में आई कि जिस जगह पे नील की खेती की थी वो जमीन बंजर हो गई। नील बहुत ज्यादा एंटी एनर्जी कलर है, वो फर्टिलिटी खत्म करता है, पर चूंकि आपका एग्रीमेंट तो था तो आपने इन 3 की जगह अगले 3 के अंदर करने शुरू किए, यार यहां नील नहीं होगी आगे करें। अगले 2 साल में ये जमीन रद्द हुई, और जमीन खराब भी ऐसी हो कि न तो वहां पर अब नील हो न वहां पर अब चावल हो, जमीन की लंका लग जाए पूरी की, तो किसानों ने कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। अंग्रेजों का साहब एग्रीमेंट है लिखा हुआ है, इतने साल तक तो खेती करनी पड़ेगी, और एग्रीमेंट में लिखा होता है यदि एग्रीमेंट तोड़ा जाता है तो जुर्माना देना पड़ेगा। तो ठीक है, एग्रीमेंट तोड़ दो, मत करो खेती, जुर्माने दो। तो अब अंग्रेजों ने जो नील की खेती नहीं कर रहे थे उनसे जुर्माने लेने शुरू कर दिए। ये तिनकठिया प्रथा थी कि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य हुआ करती थी, एग्रीमेंट साइन था। राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान थे, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी कहते हैं कि आपको चंपारण चलना चाहिए और नील की खेती वहां पर करनी चाहिए और नील की खेती के जो किसानों की समस्या उन पर ध्यान देना चाहिए। गांधी जी ने कहा साइड मैटर है, कौन है तू, क्यों पंचायती करूं मैं चंपारण जाके, मुझे नहीं करने नील की खेती, मुझे नहीं पता क्या होता है। और गांधी जी लखनऊ में तो वहां पर उसकी बातों पर, राजकुमार शुक्ल की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और गांधी जी वहां से आ जाते हैं अहमदाबाद, अपने साबरमती आश्रम में वापस आ जाते हैं। राजकुमार शुक्ल पीछे पीछे आ जाता है, राजकुमार शुक्ल ने कहा बापू चलना तो पड़ेगा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, और फाइनली वो गांधी जी को तैयार करके चंपारण लेके चला जाता है। तो गांधी जी चंपारण किसके कहने पर जाते हैं, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी कहां पर जाते हैं, चंपारण जाते हैं। गांधी जी चंपारण गए और चंपारण जाके उन्होंने किसानों को कहा कि हाँ भाई बताओ क्या समस्या है तुम्हारे, कितना खेत है तुम्हारा। किसी आदमी ने कहा भाई मेरे ये 20 बीघा खेत है। कितने बीघा में करते हो, मैं 3 बीघा में खेती करता हूं। एग्रीमेंट तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, कितना जुर्माना लगा, उसने बताया भाई 100 रुपए जुर्माना लगा। ठीक, गांधी जी ने लिखा मेंटेन के रजिस्टर कि भाई ए के इतना खेत है इतना जुर्माना लगा, बी के इतना खेत है इतना जुर्माना लगा, इतने साल का एग्रीमेंट था, इतने रुपए दे दिए, इतने रुपए आ गए, पूरा डायरी मेंटेन करने शुरू की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, नरहरि पारीख, मजरुल उल हक, ये कुछ लोग गांधी जी को और मिल गए, आनिए बानिए गांधी जी ने साथ में लिए। अब गांधी जी हर गांव में जाए और किसानों की समस्याएं नोट करें और किसानों को कहे कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें जुर्माने वापस दिलवाऊंगा। ये बात चंपारण के मजिस्ट्रेट को पता चली और चंपारण के मजिस्ट्रेट ने कहा कि गांधी के पास लेटर भेजा और गांधी जी को लेटर लिख के कहा कि भाई मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, तुम जो कोई भी हो,
पर हाँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर चंपारण खाली करके बाहर निकलो। कौन और तुम चंपारण में पंचायती करने वाले? तुम चंपारण नहीं रुक सकते, तुम्हें चंपारण 24 घंटे में खाली करना पड़ेगा। जैसे चंपारण के मजिस्ट्रेट का लेटर गांधी जी के पास पहुंचा, गांधी जी हाथों हाथ उसका रिप्लाई भेजा कि मैं 24 घंटे में चंपारण खाली नहीं करूंगा, मैं अपनी गतिविधियों को जारी रखूंगा, सरकार कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है, आपको जो कुछ करना हो वो कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा इस देश में पहली बार हो रहा था, कोई व्यक्ति अंग्रेजों की सविनय अवज्ञा कर रहा था, कोई व्यक्ति अंग्रेजों का सिविल डिसोबीडियंस कर रहा था, विनय पूर्वक उनकी आज्ञा मानने से मना कर रहा था। इससे पहले ऐसे किसी प्रतिरोध की कल्पना भी अंग्रेजों ने नहीं की थी। इससे पहले दो प्रकार के लोग थे, आइदर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। नरमपंथियों को तो यह कभी कहने की नौबत ही नहीं आई कि तुम खाली करके जाओ, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा कुछ करते ही नहीं थे। गरमपंथियों को, तिलक जैसे नेताओं को, अंग्रेजों ने कभी कहा होगा कि तुम्हें 24 घंटे में पुणे खाली करना पड़ेगा, नागपुर खाली करना पड़ेगा? हालांकि तिलक का नहीं, ये गरमपंथी जीते थे, शोर मचाते, क्या तरीका, नहीं खाली करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या कर दोगे तुम, हमारा देश है, हमें रहने का अधिकार है, नहीं जा रहा मैं तो, जो जी में वो कर लेना, पर खाली कर देते थे, शोर मचा मुचू के। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने कहा और आज्ञा नहीं मानी हो। इस देश में पहला व्यक्ति गांधी था जो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा कर रहा था, अंग्रेजों के लिए एकदम नई चीज थी। अब यदि अंग्रेज गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं तो गांधी जी शोर मचाएंगे कि अहिंसक रूप से भी इस देश में किसी को घूमने का अधिकार नहीं है। मैं क्या लठ लेके जा रहा था? मैं क्या हिंसा कर रहा था? क्या शांतिपूर्ण ढंग से किसी इस देश में किसी व्यक्ति को घूमने का अधिकार नहीं है? और यदि गांधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो गांधी जी किसानों को भड़काएंगे। अंग्रेज फंस चुके थे, एक नया जाल फेंका गया था, पैंतरे बदल दिए गए थे। अंग्रेजों ने गांधी जी को बुलाकर चाहता गया है, पंजीन का जुर्माने वापस दो इनके। उनका ऐसे तो कैसे दे, हम एक जांच करवाएंगे, पहले पता लगाएंगे किससे कितना जुर्माना लिया है। गांधी जी ने कहा जांच मैंने कर ली, ये अपने पास पड़े हैं पन्ने, आप तो देखो। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तू हमारी समिति में शामिल हो जा। जो नील के किसानों की जांच के लिए समिति बनाई गई थी, गांधी जी को उसका सदस्य बनाया गया। यह भी बड़ी अजीब बात है, कोई आंदोलन करने वाला व्यक्ति जांच समिति का सदस्य था, ऐसा होता नहीं है। आंदोलन करने वाले लोग अलग होते हैं, इंक्वायरी कमेटी में लोग अलग होते हैं कि भाई किसानों का आंदोलन चल रहा है तो अब किसानों के समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाएंगे। समिति में साहब ये हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मानवाधिकार आयोग के एक फलाण जी होंगे, एक फलाण जी मंत्री होंगे। ये नहीं कि आंदोलन के नेताओं को शामिल कर लो, ना, आंदोलन के नेताओं को हम चर्चा के लिए बुला लेंगे, पर जांच समिति तो एक अलग होगी पूरी। कि बैंसला जी आरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं, तो कभी ऐसा थोड़ी हुआ कि बैंसला जी को जांच समिति के अंदर शामिल कर लिया गया? नहीं, जांच समिति के अंदर शामिल होने वाले लोग दूसरे होंगे। बैंसला जी अपनी बात जाकर बता सकते हैं। अभी तो क्या है, बैंसला जी आजकल तो हॉस्पिटल एडमिट है, शायद बीमार थे, उनके लिए भी दुआएं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर बाहर आए। कम्युनिटी का एक अच्छा लीडर है, तो जैसे हम देखते हैं कि भाई बैंसला जी ने आंदोलन किया, या कोई भी किसी का ले लो, ये नाम अक्सर मेरे दिमाग में आ जाता है कि अपने आंदोलन करते हुए इनको ही देखे थे बड़े तौर पर राजस्थान के अंदर। तो जांच समिति एक अलग चीज होती है, उसके अलग मेंबर होते हैं। गांधी जी यहां पर जांच समिति के सदस्य बना दिए गए थे। अंबालाल सारा भाई नाम करके एक मील मालिक हुआ करते थे, भले मील मालिक थे एकदम। अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, 1918 की बात है ना, 1918 लिख लेना। अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग एक रोग होता है। अच्छा, कोई सूरत से भी पढ़ रहा, वेरी गुड, आप इतनी दूर दूर से। अंबालाल सारा भाई मील मालिक थे, प्लेग फैल रखा था, भले आदमी थे। अब अंबालाल सारा भाई विक्रम सारा भाई के पापा है। आप में से ज्यादातर लोगों ने विक्रम सारा भाई का नाम सुना होगा, जो भारत के स्पेस प्रोग्राम के मुख्य वैज्ञानिक थे, विक्रम सारा भाई जो थे, उनके पापा है अंबालाल सारा भाई। अब विक्रम सारा भाई का भी पूरा नाम देखेंगे तो उनका पूरा नाम विक्रम अंबालाल सारा भाई मिलेगा आपको। तो जो प्लेग फैला, तो इन्होंने अपने जो मजदूर थे उनको प्लेग भत्ता दिया। जिसने, मान लो कोई कंपनी में किसी में जॉब कर रहा है और
कोरोना आ रखा है, तो मान लो कंपनी उसको तनख्वाह 100 रुपए देती है, तो कोरोना के दिनों में कंपनी ने कहा भाई तुझे 120 रुपए देते हैं कि कोरोना की वजह से तेरे घर में कोई बीमार हो तो उनको दिखा ले। हालांकि कंपनी ऐसा करती नहीं है, पर कोई कर दे तो अंबालाल सारा भाई जो थे वो थोड़े भले आदमी थे, तो उन्होंने अपने जितने भी मजदूर थे उनको प्लेग भत्ता देना शुरू कर दिया कि मान लो उनको तनख्वाह 100 रुपए मिलती थी पहले, तो इन्होंने कहा भाई प्लेग भत्ते के 20 रुपए और दे दूंगा मैं। तो प्लेग वाले दिनों में तनख्वाह कितनी कर दी लोगों की, 120 रुपए कर दी। ये प्लेग अलाउंस है, प्लेग भत्ता है, ये प्लेग बोनस है, आप ये मान लो। अब थोड़े दिन में प्लेग खत्म हो गया, तो जब जो चीज जिस चीज के लिए दी गई है, जो राशि जिस चीज के लिए स्वीकृत की गई है, यदि वो चीज खत्म हो जाती है तो राशि भी बंद हो जानी चाहिए। स्वाभाविक बात तो ये है कि आपको 20 रुपए प्लेग के लिए मिले थे, अब जब प्लेग है ही नहीं तो आपको 20 रुपए नहीं मिलने चाहिए, आपको वापस कितने रुपए मिलने चाहिए, 100 रुपए मिलने चाहिए। पर दुनिया में किसी भी आदमी को एक बार कुछ फोकट में मिल जाए उसके बाद वापस देना बहुत असंभव हो जाता है, और उसमें भी भारत जैसे देश में तो और ज्यादा असंभव हो जाता है कि आप एक बार कह दोगे नहीं साहब फ्री के अंदर है, बाद में आप वापस लेके दिखाओ दिखे। अब जैसे ही लोगों को कहा गया कि अब तुम्हें हम 100 रुपए देंगे, लोगों ने आंदोलन कर दिया। उनका ये क्या तरीका है, उसने कहा प्लेग फैली थी तब मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, अब मैं क्यों दूं, कहा महंगाई बढ़ गई आपको देने पड़ेंगे। इस बात को लेकर जो मिल मजदूर थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था। मिल मजदूर गांधी जी के पास गए, गांधी जी को जाकर, गांधी जी साबरमती आश्रम में रह रहे हैं अहमदाबाद के, और जाकर कहा कि भाई क्या करना चाहिए हमें। गांधी जी ने कहा तुम तो आंदोलन कर दो। किसके खिलाफ, अंबालाल साराभाई के खिलाफ। अंबालाल साराभाई वो व्यक्ति है जिसने गांधी जी को साबरमती आश्रम बनाने के लिए पैसे दिए थे। फंडिंग करने वाला पूरा व्यक्ति अंबालाल साराभाई था, और अंबालाल साराभाई का पूरा परिवार गांधी जी के धोखा था आके। अनुसुईया बेन अंबालाल साराभाई की बहन थे जो गांधी जी के साबरमती आश्रम की नियमित सदस्य थे। पर गांधी जी ने मजदूरों का तुम तो आंदोलन करो देखी जाएगी, मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। तो अंबालाल साराभाई भले आदमी थे, जब आंदोलन किया तो उन्होंने कहा देखो हिसाब तो ये कहता है मैं तुम्हें टक्का ना दूं, 100 रुपए की तनख्वाह है 100 रुपए तनख्वाह ले जाओ, 20 रुपए प्लेग अलाउंस था, प्लेग अलाउंस में बंद कर रहा हूं जब प्लेग ही नहीं है, पर फिर भी तुम जब इतना ज्यादा कर रहे हो तो जितना तुम्हें प्लेग अलाउंस दिया जा रहा था ना उसके 20% मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो मान लो 20 रुपए प्लेग अलाउंस था तो 20 रुपए का 20% कितना हो गया, 4 रुपए हो गया, तो मतलब 100 की जगह तुम्हारी तनख्वाह मैं कितनी कर दूंगा, 104। मजदूर वापस गांधी जी के पास गए कि वो तो बस चिन्ना सा बढ़ा रहा है, इतना सा 20% ही बढ़ाने की बात कर रहा है। गांधी जी कैसे कैसे मैं आ रहा हूं, मैं लो तुम्हारे साथ के अंदर हड़ताल करता हूं। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे मजदूरों के पक्ष में। अंबालाल साराभाई ने कहा बापू आप दोस्त हो मेरे, आप मेरी तरफ हो या मजदूरों की तरफ हो। गांधी जी ने कहा दोस्त दोस्त की जगह ठेका ठेके की जगह, नया ठेका मिला है इतना जल्दी चूकने वाला नहीं हूं, और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अंबालाल साराभाई ने कहा मर तो फिर, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। अनुसुईया बेन को नहीं पता चला, साबरमती आश्रम गए होंगे, कहा है गांधी जी, कहा है गांधी जी तो तुम्हारे भाई के खिलाफ ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अनुसुईया बेन ने अंबालाल साराभाई को कहा होगा, मुझे लगता है ऐसा कह दिया होगा उन्होंने कि देखो मेरे मोहनदास को कुछ हो गया ना, अंबालाल साराभाई घर के दबाव में आए होंगे बेचारे कहीं ना कहीं। अंबालाल साराभाई ने कहा आल है समझौता करते हैं। बार्गेनिंग करने में गांधी जी तेज थे, कितना दिया जाए, गांधी जी ने कहा पूरा, मैं मजदूरों कह के हूं पूरा प्लेग भत्ता दिलाऊंगा तुम्हें 20 के 20 रुपए 100%। अंबालाल साराभाई ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, पूरा नहीं दिया जा सकता, थोड़ा ऊपर नीचे करो देखे 75 50 25। गांधी जी ने कहा 25 नहीं 25 तो मैं चंपारण में दिलवा के आया हूं, अब वैल्यू है भाई साहब थोड़ा बहुत तो पेमेंट बढ़ना चाहिए, इससे नया ठेका मिला है तो का 35 पे डन हुआ कि प्लेग भत्ता जितना मिलता था उसका 35% मजदूरों को दिया जाएगा, मतलब 7 रुपए 20 का 35 7 रुपए मतलब 107 रुपए तनख्वाह हो जाएगी। गांधी जी बाहर विक्ट्री साइन बनाती है, मजदूरों ने नारे लगाए गांधी जी जिंदाबाद, रुको रुको नारे लगाओ मजदूर एकता जिंदाबाद। देश के इतिहास में पहली बार मिल मालिकों को मजदूरों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है, और पूरा 35% प्लेग भत्ता लेके रहे हैं। मजदूर ने कहा बाबू पूरे की बात थी, ये तो 35% ले। गांधी ने कहा बात पैसे की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है, बात स्वाभिमान की है, तुम ये बताओ इसमें कौन जीता। मजदूरों ने कहा बाबू इसमें तो हम जीता, फिर लो भाई पैसा क्या है यार, आदमी 2 शिफ्ट ज्यादा करोगे इतने में कमा लोगे। तो कितने % प्लेग भत्ता दिलवा दिया था गांधी जी ने, 35% प्लेग भत्ता दिलवा दिया था, लिख लो।